हे गाइस वेलकम बैक। तो आज करीब मैं 10 दिन में मेरी बाइक जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। देखते हैं एक बार में स्टार्ट होती है या नहीं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, बैटरी भी पुरानी हो गई है। मैं स्टार्ट करता हूँ। वाओ, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। बोलते हैं बजाज की बाइक बहुत दिनों में स्टार्ट करोगी, स्टार्ट नहीं होती, एक ही बार में स्टार्ट होगी। तो आप कुछ टाइम के लिए इसको हीट होने देते हैं, तब तक हेलमेट वगैरह पहनते हैं। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जब तक पूरा हीट नहीं होगा तब तक थोड़ा ऑन रखना पड़ेगा, स्टार्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी बाइक को लंबे टाइम के लिए या कभी बंद करते हैं तो स्टार्ट करते ही रनिंग कंडीशन में नहीं करना चाहिए उसे। कुछ टाइम उसको हीट होने दें ताकि जो ऑयल वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से जो है हर जगह फैल जाए, ताकि फ्रिक्शन कम होगा तो इंजन सेफ रहेगा। और भी बहुत सारी टिप्स है जो मैं आपको बताऊंगा बाइक को स्टोर करने से रिलेटेड, कैसे स्टोर करना चाहिए लंबे टाइम के लिए। चलिए, अब हीट हो चुकी है, करीब एक डेढ़ मिनट पहले हो चुकी थी और एक डेढ़ मिनट अभी हो गई है। तो मैं निकलता हूँ अभी घर के लिए, और या तो मॉर्निंग में या कभी मैं आपसे इस बारे में बात करूँगा। तो ये वाला वीडियो मैं ले रहा हूँ फ़ोन से, क्योंकि GoPro जो मेरा कैमरा था वो साथ में नहीं है। मैं अभी मैंने बाइक को ऑफिस से उठाई है, तो ये इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि अभी मुझे फ़िलहाल इसके जो कंट्रोल्स वगैरह है बाइक बिल्कुल एक तरह से अनकंट्रोल लग रही है, हैंडल वगैरह सब कुछ हार्ड हो गए, तो इसीलिए थोड़ा सा क्लिप दिया है कि थोड़ा हार्ड हो जाता है और वाइब्रेशन वगैरह हो जाता है, तो थोड़ा नॉर्मल चला है। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी और डिटेल्स वगैरह मैं बताऊँगा। Then bye bye, ride safe, take care.